हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों, इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो और बहुत ही सिंपल भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये एक तरह से फ्री के नंबर होते हैं। किस प्रकार से फ्री के नंबर? क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना है और हर बार वही लॉजिक यूज करते रहना है। और इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे कि आपका सिलेबस आराम से इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा दो ही क्लास में। एक क्लास लगेगी आज की और एक क्लास और लगेगी परसों की, और इस तरीके से आपकी क्लास पूरी तरीके से, यानी ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है? बच्चों, प्रोबेबिलिटी मतलब हम किसी की एक ऐसी संभावना पता करते हैं कि भाई ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो कितने चांसेस हैं, नहीं हो सकता है तो कितने चांसेस हैं। लेकिन हम कभी ये पक्का नहीं कह सकते कि ये हो भी सकता है, और ये कभी हम पक्का नहीं कह सकते ये नहीं भी हो सकता है। हाँ, जब तक उस तरह की कंडीशन बिल्कुल हर हाल में बिल्कुल ना पता चल जाए कि हाँ भाई अब जीत ही गया। जैसे मुझे पता है भाई 6 बॉल में मैक्सिमम 36 रन बन सकते हैं, अगर 9 बॉल नहीं पड़े तो। अगर एक ओवर में किसी को 50 रन चाहिए होंगे तो वो आराम से जीत सकता है वो मैच। तो इसका मतलब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 100% है, और सामने वाले की हारने की भी 100% है, और जीतने की 0% है उसकी सामने वाले की। तो इस तरह की कंडीशन जब होता है तो हम पता लगा सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज की प्रतिशत की बात करूं, तो बच्चों कभी भी किसी प्रोबेबिलिटी की प्रतिशत 0% से ज्यादा या उसके बराबर होती है प्रोबेबिलिटी, और 100% से कम और उसके बराबर, इसी के बीच में घूमती है। और जब भी किसी डेसिमल या फ्रैक्शन में होगा, जब भी किसी डेसिमल, ठीक है, या फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, दशमलव या भिन्न में होगा, तो भाई ऑलवेज 0 से बड़ा और उसके बराबर, और 1 से छोटा और उसके बराबर, ठीक है जी। अब देखिए, हमेशा प्रोबेबिलिटी दो तरह की बात मानी जाती है। एक प्रोबेबिलिटी मतलब होने की, और एक डजंट अकर, ठीक है, नहीं होने की। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि होने की प्रोबेबिलिटी है पीई, तो नहीं होने की क्या होगी बच्चों? 1 माइनस पीई नॉट या नॉट ई, ठीक है, नॉट ई। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है नॉट ई, नहीं होने की, तो है ना भाई, अगर मान लो नहीं होने की दे रखी है तो 1 में से माइनस करो, होने की आ जाएगी। और अगर नहीं होने की निकालनी है और होने की दे रखी है तो 1 में से होने की माइनस कर दो तो नहीं होने की आ जाएगी। ये होता है फॉर्मूला। अब ये होने की नहीं होने की क्या है, जरा ध्यान से सुनो। मान लो मैं कहता हूं बारिश होने की, रेन, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो नहीं होने की क्या होगी? नॉट रेन। नहीं होने की क्या होगी? 1 में से माइनस कर दो भाई, ठीक है जी, माइनस कर दो उसे। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो होने की 0.3 और ये 0.7, 0.7, देख लो कितना सिंपल है, बहुत आसान था बच्चों। अगर आप देखो बड़ा प्यार से, बहुत आराम से इस चैप्टर को आप खत्म कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं कहता हूं किसी टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी, किसी टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी है भाई, मान लीजिए विनिंग, विन करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो मैं कह रहा हूं बताओ भाई उसके हारने की कितनी होगी? नॉट विन,
तो यानी 1 में से विन माइनस कर दो, तो क्या होगा भाई, 1 माइनस 0.8 आ जाएगा 0.2, पल्ले पड़ रही बात। अब मान लीजिए मैंने आपको क्या दे दिया भाई, एक प्रोबेबिलिटी दे देता हूं मैं, जैसे क्या भाई, किसी बच्चे के पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉट पास्ट, पास नहीं हुआ, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो पास होने की कितनी है, पास होने की कितनी है, 1 माइनस नॉट पास्ड। तो 0.6, ठीक है। और थोड़ा डीप चलते हैं, थोड़ा सा और। अगर मान लो वही रेन वाली कंडीशन मैं ले लेता हूं, रेन नहीं होने की, नॉट रेन, रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.121, ठीक है, ये चलो 0.12 ले लेता हूं, तो होने की कितनी होगी भाई, तो होगा 1 माइनस नॉट रेन, तो 1 माइनस 0.12, तो 1 माइनस 0.12 भाई, 1 इसको दिया 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8.0, तो यानी 0.88, पल्ले पड़ रही बात। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी बनाते हैं किसी की भी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जरा इसको, नोट कीजिए। चलिए ये नोट हो गया होगा, ठीक है, साथ साथ नहीं नोट करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है, पहले समझे हो, उसके बाद फिर जब मैं बोलूंगा कि वीडियो पॉज करके नोट कर लो तो कर लिया करना, ठीक है। आज मैं बिल्कुल बेसिक्स ही सिखाऊंगा आपको, ज्यादा टफ नहीं सिखाने वाला हूं, ठीक है, जब अगली क्लास होगी तो उसमें ये चैप्टर खत्म ही कर दूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से, मान लो मैं कहता हूं पी विन के जीतने की प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.943, तो हारने की क्या होगी, लॉस की क्या होगी, तो भाई नॉट विन, लॉस का मतलब नॉट विन ही होता है, तो 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे विन 0.943, तो 1 में से 3 डेसिमल तक 0.943 माइनस करेंगे, 10 में 3 गया 7, 9 में 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 0, तो आंसर कितना आया 0.057, ठीक है। तो इस तरीके से करना है बच्चों, देख रहे हो कितना सिंपल है, समझ में आई बात। हाँ जी, नोट कर लिया होगा ये सारा। अब देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ना ही 0 से छोटी हो सकती है ना ही 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो मैं कहता हूं कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपको मान लो निकालनी है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, मान लो ये है, ये दिया हुआ है, तो बताओ इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कौन इनमें से प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो भाई बताओ। देखो बच्चों नेगेटिव देखते ही आपको पता चल गया 0 से छोटा है, और मैंने अभी अभी क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ना ही 0 से छोटी हो सकती है ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। 0 से छोटी होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब आंसर है ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखो 0.7 भाई 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, सही बात है भाई। 15% भाई, 15% 0 से लेकर 100% के बीच में आता है, तो ये भी सही है। अब आता 2/3, इसको कैसे पता करें, तो देखो बच्चों आपके सामने मैं कुछ फ्रैक्शन लिखता हूं, जैसे 2/3, 7/6, 8/3, ठीक है, 11/12, ठीक है, 13/16, ठीक है, 20/21, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये एक काम करो,
23/21 इससे जीरो। अब आपसे बोला गया कि बताओ कौन वन से छोटा है, कौन वन से बड़ा है, कौन लेस देन वन है, एक से छोटा है, और कौन ग्रेटर देन वन है, एक से बड़ा है। तो बस ये चीज आपको फ्रैक्शन में दी गई है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है? यानी ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, ठीक है? अब पता करते हैं भाई कि कौन एक से छोटा है, कौन एक से बड़ा है। तो देखो बच्चों, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, सॉरी, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो नंबर एक से बड़ा होगा, और अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो एक से छोटा होगा। मतलब अंश छोटा हो जाए हर से तो एक से छोटा नंबर होगा, और अगर अंश बड़ा हो जाए हर से तो वो एक से बड़ा होगा। तो देखो भाई, 2/3, अंश छोटा हर बड़ा तो यानी एक से छोटा है। 7/6, अंश बड़ा हर छोटा तो यानी कि एक से बड़ा। 8/3, अंश बड़ा हर छोटा। 11/12, अंश छोटा हर बड़ा। 13/16, अंश छोटा हर बड़ा। 23/21, अंश बड़ा हर छोटा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से पता लगाते हैं कौन भाई क्या है, कौन ग्रेटर देन वन है, कौन लेस देन वन है, कौन एक से बड़ा है, कौन एक से छोटा है। समझ में आई बात? नोट करो इसे। चलिए, नोट हो गया। अब निकाल लो 15.1। एक ही एक्सरसाइज है और उसके तीन चार क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले रुको, पहले आपको कंडीशन पढ़ाता हूं मैं, कुछ कंडीशन पढ़ाता हूं। दो कंडीशन पढ़ाऊंगा, एक कॉइन का, एक डाइस का। कॉइन सिक्का, ठीक है जी? कॉइन के तीन केस पढ़ाने जा रहा हूं आपको। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाए। ठीक है, देखो क्या करना चाहिए। हाँ जी बच्चों, एक बात याद रखना, हर सिक्के का एक ही पहलू, दो पहलू होते हैं। एक होता है हेड और एक होता है टेल। यानी अगर आप किसी सिक्के को उछालते हो तो या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा, ठीक है? दोनों तरफ हेड होना पॉसिबल नहीं, दोनों तरफ टेल होना पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसे हम लोग कहते हैं बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड कॉइन मतलब क्या, जिसको इस तरीके से कर दिया जाए कि हर बार हेड ही आएगा, हर बार टेल ही आएगा, ठीक है? अच्छा, तो भाई हेड आएगा एक बार या तो टेल आएगा एक बार, ठीक है? अब किसी भी कॉइन में हेड आने और सिक्के, हेड आने की और टेल आने की जो कंडीशन होती है, कितनी बार आएगा वो भाई? तो सिक्के, किसी भी सिक्के में कितने केस होते हैं? हेड और टेल दो ही केस होते हैं, चित या तो पट, ठीक है भाई? दो केस होते हैं। तो ये तो हो गया, टू हो गया आउटकम्स। टू क्या हो गया? आउटकम्स, कि एक सिक्के को छालने में दो केस तो आते ही आते हैं। अब एन, 2 की पावर एन, क्योंकि
कि कितनी बार इसको उछाला गया है। एन का मतलब क्या है, कितनी बार इसको उछाला गया है। तो देखो यार, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा मतलब 2 की पावर 1, तो कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे, एक हेड एक टेल। दूसरा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाए मतलब सिक्के के अंदर केस कितने बनेंगे, दो, उछाला कितनी बार गया, दो, तो इसका मतलब 4 केस बनेंगे। कौन कौन से 4 केस बन सकते हैं बच्चों, देखो मान लो पहली बार सिक्के को उछाला हेड आ गया, दूसरी बार सिक्के को उछाला तब भी हेड आ गया, हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है जी। पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है पहली बार में टेल आया हो, दूसरी बार में हेड आ गया हो। ये भी हो सकता है कि पहली बार में भी टेल आए और दूसरी बार में भी टेल आए। तो देखो कितने केस बने, 4 केस बने, जो कॉइन को दो बार उछालने पे कितने केस बने, 4 केस बने। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ चित आने की, तो सिर्फ चित कितने केस में, एक केस में, और टोटल कितने केस हैं, 4। ठीक है, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ सिलेक्टेड सिलेक्टेड आउटकम्स बटे में टोटल आउटकम्स, हिंदी में चुनी गई स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। ठीक है, चुनी गई स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। तो भाई देखो ना, ओनली हेड के कितने केस हैं, एक ही केस है ऊपर, कितने केस में से, 4 में से, तो 1/4। अब आ जाए एटलीस्ट वन हेड, हिंदी में कम से कम एक हेड। भाई कम से कम एक हेड का मतलब यह है कि एक हेड तो हो सकता है, एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं, तो एक हेड तो इतने भी केस में भी है और एक से ज्यादा इसमें है, तो मतलब टोटल, ये नंबर ऑफ सिलेक्टेड आउटकम, एक हेड भी है एक से ज्यादा भी, तो कितने हो गए, 3, और टोटल कितने हैं, 4। तो भाई एटलीस्ट वन हेड का आंसर क्या आएगा, 3/4। समझ गए, इस तरीके से करना होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये उतारो फिर मैं आपको, व्हेन अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स, बस यहीं तक आपको सीखना है, 3 टाइम्स का भी करा देता हूं। चलो ये तो नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, ये देखो इसको मिटाता हूं। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो सिक्के के केस हैं 2, उछाला 3 बार, तो 2 की पावर 3 होता है 8, यानी 8 केस बनेंगे। तो क्या क्या केस बनेंगे, कैसे बनाएंगे, पहले 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये है जी। तो इस तरीके से 8 केस बनते हैं, कितने केस बनते हैं, 8 केस बनते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है कि भाई ओनली हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ओनली हेड की, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो ओनली हेड कितने केस है, एक केस है, कितने टोटल केस है, 8, तो 1/8। ठीक है, ओनली टू हेड की बताओ, ओनली टू हेड की, सिर्फ 2 हेड की बताओ या 2 टेल की बताओ, तो कितने हैं, ओनली 2 हेड वाले कितने, 1 2 3, तो ये नहीं है, सॉरी 3, और कोई तो नहीं है, नहीं, तो 3/8 इस तरीके से। ठीक है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जैसे आएंगे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हो जाएगा, जल्दी नोट करो, फिर डाइस पे आते हैं हम लोग। चलिए चलो,
चलो चलो देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2। अब पहले हम करेंगे बच्चों डाइस पासा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक बार डाइस को एक ही बार उछालने का बताऊंगा, दो बार उछालने वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो जरा, एक डाइस को अगर उछाला जाए तो कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे, 1, 2, क्योंकि उछालने पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, 6 के 6 केस आ सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है आराम से, जैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है? इवन नंबर का। हाँ भाई, सम संख्या का। हाँ भाई, तो सम संख्या कितने हो सकती है? 2, 4, 6। तो भाई इवन नंबर 3 है, कितने में से? 6 में से। कैंसिल आउट 1/2। इस तरह ऑड नंबर का भी हो सकता है भाई, ऑड नंबर का भी हो सकता है। ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या भी कितनी है? 1, 3, 5, 3 है, कितने में से? 6 में से, 1/2। लेस देन 5 भी हो सकता है, 5 से छोटे नंबर। तो बच्चों 5 से छोटा कौन है? 1, 2, 3, 4, कितने में से? 6 में से, कैंसिल हो गया, 2/3। तो ये जब हम किसी डाइस को, पासे को छालेंगे तो 6 केस बनते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई? सिक्के को छालने में 2 केस थे, डाइस को छालने में कितने केस थे? 6 और क्या n, ये एक बार उछाला तो इसलिए 6 केस। 2 केस उछालेंगे 36 केस, 3 उछालेंगे 216 केस। ठीक है, चलो नोट करो इसे फटाफट, नोट कर लो। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? पीई प्रोबेबिलिटी होने की, प्रोबेबिलिटी होना 0.05 है, तो पीई नॉट भाई ये कितना होगा? तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया ना, 1 माइनस में पीई, तो 1 माइनस 0.05, माइनस करोगे कितना आएगा? 0.95 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन नंबर देखो 8, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ए अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड नॉट रेड बॉल? देखो भाई, कह रहा है एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, और इस बैग में बच्चों 3 लाल बॉल हैं और 5 काले बॉल हैं, ब्लैक बॉल है। इसके इस बैग में हमने हाथ डाला और रैंडमली, मतलब बिना देखे यथादृश, एक बॉल को निकाल लिया। अब वो बॉल रेड होनी चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी तो ये बताओ, और दूसरी प्रोबेबिलिटी कि रेड नहीं होना चाहिए। चलो जी, तो पहले टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है जल्दी बताओ? 3, ठीक है। लाल गेंद की कुल संख्या 3। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 5। काले गेंद की संख्या 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, गेंद की कुल संख्या 8। गेंद की कुल संख्या, ठीक है, की कुल संख्या। नाउ अब क्या बच्चों? प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड बॉल की। किसकी? रेड बॉल की, लाल गेंद की। तो बस लाल गेंद कितने हैं? 3, 3 में से कोई एक, और टोटल गेंद कितने? 8, बात खत्म। पी नॉट रेड बॉल, लाल गेंद नहीं। तो बच्चों जब लाल गेंद नहीं चाहिए, तो लाल गेंद नहीं है तो बाकी लाल गेंद कितने नहीं है? 5 नहीं है, कितने में से? 8 में से होगी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके दो दो नंबर में, तीन तीन नंबर में आएंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात?
तो ये करना है बच्चों आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, बच्चों 13 तक के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए। कहां तक के? 13। तो आप लोग 13 तक के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी चलेगी। ठीक है जी, चलिए बाय।